हेलो फ्रेंड्स, मैं रफीक। आज हम फ्लोरल पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया है ब्लैक बैकग्राउंड बनाने के लिए। ब्लैक इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो भी चीज़ें फिर बनाते हैं तो वो अच्छे से हाईलाइट हो जाती हैं, और मेरा फेवरेट कलर भी है ब्लैक। यहाँ पर मैंने ब्रश 12 साइज़ का यूज़ किया है। भी ऑलमोस्ट हमारा जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम डार्क ग्रीन लेंगे और थोड़ा सा वाइट भी। इससे हम ब्रांचेस बनाएंगे फ्लावर्स के लिए। आप अच्छे से वीडियो को एंजॉय करें एंड तक। अभी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे ब्रांचेस बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो ब्रश यूज़ किया है जीरो साइज ब्रश है, राउंड शेपडी। अभी मैं इस पर डबल लेयर कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से एंजॉय कीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया है। इससे हम फ्लावर्स बनाएंगे। अभी मैं थोड़ा डार्क कलर ही लिया है, कम इसमें मैंने कम वाइट कलर मिक्स किया है। तो पहले जो पेटल्स बनाएंगे, पहली लेयर पेटल्स की, तो वो डार्क कलर से ही। उसके बाद इससे थोड़ा लाइटर कलर यूज़ करेंगे, इसके साथ और वाइट मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अलग अलग डायरेक्शन में ये पेटल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ। अभी दूसरा फ्लावर। पहले हम सभी जितने भी फ्लावर्स बनाने हैं मुझे, वो सभी फ्लावर्स में इसी डार्क कलर से ही, डार्क ब्लू से ही ड्रॉ करूँगा, बनाऊँगा। फिर उसके बाद थोड़ा लाइटर कलर यूज़ करेंगे। इसके लिए जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो 4 साइज ब्रश है, राउंड शेप बड़ी। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने फ्लावर्स बनाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कैसी पेंटिंग्स में बनाया करूं आगे से, कमेंट्स में बताया करें। करके ये वाले पेटल्स बनाना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर यूज किया है, बीच वाला जो पोर्शन होता है फ्लावर का, जहाँ पे सीड्स होते हैं। इसके ऊपर हम फिर और कलर्स यूज करेंगे, येलो कलर, ताकि ये अच्छे से अच्छा बन जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इस पे येलो कलर डाल रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको मेरे सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियोस। इसके बाद हम इस पेंटिंग पे वार्निश करेंगे, उसके हम एक ही लेयर चढ़ाएंगे इस पे, ताकि ये अच्छी दिखे। यहाँ पे हमने वार्निश करना स्टार्ट किया है। इसके लिए मैंने टेडिच ब्रश यूज़ किया है। अब
अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।